मोती 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 नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से धारा 370 और 35 ए के एब्रोगेशन के बाद भाजपा सरकार ने ये वायदा किया था कि अब खुशहाली ही खुशहाली होगी, आए दिन युवा जो है बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई की मार से आम जनता को राहत मिलेगी और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा। पर लगातार आए दिन जिस तरह की आप तस्वीरें देखते हैं, आए दिन युवा सड़कों पर है, आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है। पर इस समय के जो हम दृश्य बता रहे हैं, ये दृश्य है जहाँ पर एक तरफ से बात की जाती है कि युवा जो देश की रीढ़ की हड्डी है, ये जो आप दृश्य बता रहे हैं तभी ब्रिज के हैं, जहाँ पर युवा मजबूर हो जाते हैं तभी ब्रिज को बंद करने में, आवाजाही को बंद करने में। ये है आर्मी एस्पिरेंट, जिन्होंने आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए अप्लाई तो किया था पर ये ग्राउंड फिट है, यानी मेडिकल फिट बच्चे हैं, युवा हैं, जो इस उम्मीद में थे कि कब इनका रिटर्न होगा और ये देश को सर्व करेंगे, इनके तन पर वर्दी होगी। अब यही कहीं ना कहीं एक मजाक बनकर रह गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग बच्चे जो हैं अलग अलग क्षेत्रों से हैं। पहले तो इनको सपने दिखाए जाते हैं, बाद में इस कदर इनके सपने इस कदर तोड़े जाते हैं कि ये विवश होकर सड़कों पर उतर आते हैं। अब जिस तरह से इनका कहना है कि ये लोगों को ये कहा जाता कि बाहर का रास्ता दिखाया जाता, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये फिजिकल फिट है और ये एलिजिबल है और ये कहीं ना कहीं इनको अब इनकी सिलेक्शन होगी रिटर्न टेस्ट के माध्यम से। पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये मायूसी जो साफ तौर पर नज़र आ रही है, उनका ये कहना है कि हमें बाहर का अब रास्ता दिखा दिया गया, अब हम ओवर एज भी हो गए। और अग्निपथ की अगर बात करें, उसके माध्यम से जो भी आर्मी में भर्ती होंगी उसके लिए एज चाहिए 17 से 21 साल, 4 साल के लिए वो सर्विस जो करेंगे जिनकी एज 17 से 21 होगी। अब इन बच्चों का कहना है कि हमारी उम्र अब 22 हो गई है, ना घर के रहे और ना घराट के रहे। और देखिए इस कदर एसपी जो हांडा जी वो भी पहुंचे हुए यहाँ पर, और पुलिस जो है इन बच्चों को ले जाते हुए यहाँ से इनको खदेड़ते हुए, और देखिए किस कदर ये बच्चे इस समय परेशान हैं, प्रेस क्लब की ओर जाते हुए ले जाते हुए इनके। पर सवाल ये बड़ा है कि ये बच्चे आखिर ये युवा जाएं तो जाएं कहाँ, जिनका फ्यूचर ही जिनका करियर ही दांव पर लग गया है, तो ये आखिर खुद बताइए, खुद सोचिए ये कहाँ जाएंगे। ना आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं जिन लोगों ने सपना देखा था कि देश को देश की जनता को ये सर्व करेंगे। इस समय दृश्य आप देख रहे हैं तवी ब्रिज के, जहाँ पर पुलिस इन्हें खदेड़ते हुए प्रेस क्लब की ओर ले जाते हुए, पर साफ तौर पर इन लोग जो युवा हैं मोदी सरकार को कोसते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं नारेबाजी करते हुए मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, राजनाथ सिंह जी के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है, जो जम्मू बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्योंकि भाजपा सरकार ने ही इन्हें असीम सपने दिखाए थे जो आज वो सपने टूटते हुए नजर आ रहे हो। आप देखिए किस कदर आज युवा रोष में है, क्या आने वाले समय में जो 50+ का लक्ष्य भाजपा लेकर चल रही है, क्या उस लक्ष्य में ये युवा बाधा बनेंगे, क्या वो लक्ष्य पूरा होगा। अगर इन युवाओं की मदद नहीं की गई, इन युवाओं को इस तरह से दर बदर के लिए रोडों पर सड़कों पर छोड़ दिया गया, आने वाले दिनों में कभी NYC की बात करें, रैबरे खेल की बात करें, रैबरे जरा जंगलात की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चर्स की बात करें, हम NHM की बात करें, लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन किस तरह से उन पर भी डंडे बरसाए जाते हैं। जहां सरकार का काम नहीं, सरकार की दाल नहीं गलती या कुछ जवाब देने लायक नहीं होते, क्योंकि सपने तो उन्होंने दिखाए, वहीं पर आप पुलिस को आगे कर दिया जाता है, जो कि युवा लगातार इस समय देख रहे गुस्से में है, और गुस्से में इसलिए कि इन्होंने ही मत दिया, अपना कीमती वोट दिया है कि आने वाले समय में ऐसी सरकारें आएंगी जो इनके मुस्तकबिल को कामयाब करने में इनका साथ देंगी। पर आज ये बच्चे मजबूर हैं सड़कों पर निकलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और JKPSI का रिजल्ट साफ तौर पर ये एक मिसाल बनकर सामने आया कि किस कदर धांधलियाँ होती हैं, किस कदर जो कि भ्रष्टाचार होता है, इन जो ये कहेंगे जिस तरह से कोई भी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, कोई भी पोस्टें निकलती हैं उसकी सिलेक्शन लिस्ट में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान अगर JKPSI FAPM के
एग्जाम्स में अगर धांधली हो जाती है, उनके रिजल्ट में अगर 100 करोड़ से भी ज़्यादा का घपला हो सकता है, तो खुद सोचिए इन युवाओं का विश्वास कहाँ रहेगा। क्या वो एजेंसी जो एग्जाम्स लेती हैं, कंडक्ट करवाती हैं, क्या उनके अधिकारी जो या मेंबर्स होते हैं उन पूरे प्रोसीजर के, क्या वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं? तो खुद सोचिए क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या इन युवाओं के फ्यूचर सिक्योर होंगे जो धारा 370 के का नारा दिया था कि उसके बाद खुशहाली खुशहाली होगी, हर तरफ युवाओं को रोज़गार मिलेगा और जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर होगी। ये बदलती तस्वीर का शायद किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। दिखाते हैं आपको आगे के दृश्य। ऐसे कोई मजाक थोड़ा है, मैं 500 लड़का दौड़ाते 20 लेते हैं उसमें से, बताओ आप क्या करना है? अब हमें बोल रहे हैं यहाँ पे धरना दो, यहाँ क्या करना है हमने? भारत माता की क्या करेगा जम्मू का युवा? इससे अच्छा कश्मीर वाले ठीक है, मैंने ही पत्थर मारी है गवर्नमेंट नौकरी दे लेते नहीं, कोई एस पी ओ भर्ती होता, कोई सपाटा, कोई किश किश आज सपाटा भी नहीं मैडम जी, सोच लाने गवर्नमेंट लीडर आते जम्मू 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 के जोआ जम्मू खजल करिए रखा मैडम जी, अरविंद रैना ना जम्मू ही खजल करिए रखा रैना पूरा जम्मू का, हाय हाय अरविंद रैना, हाय हाय अरविंद रैना, हाय हाय अरविंद रैना, हाय हाय ਸਰਦ 370 ਰਟਾਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਸੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਆਰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਸੋ ਗਈ 370 ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੁਛ ਤੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸਰ ਬੋਲੇ ਆਰਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮਐਲਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਰੋਵਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ।